पूर्णिया सांसद पप्पू यादव औचक निरीक्षण में पहुंच गए कटिहार सदर अस्पताल। सदर अस्पताल की लचर व्यवस्था हो गई उजागर। कटिहार जिला के सदर अस्पताल का पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने औचक निरीक्षण किया, जहां कटिहार सदर अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सदर अस्पताल में मरीज के परिजन और अस्पताल में हेल्थ प्रमाण पत्र बनाने पहुंचे युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने अस्पताल की व्यवस्था को खुलकर उजागर किया। इस दौरान अस्पताल निरीक्षण की सूचना जैसे अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी को लगी, सभी अपने अपने निजी क्लिनिक छोड़ अस्पताल पहुंच गए, जिसमें अस्पताल की डीएस आशा शरण भी मौजूद थी। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने डीएस को अस्पताल की कुव्यवस्था और अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार से रूबरू करवाते हुए इसकी शिकायत वरीय अधिकारी से करने की बात कही। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब भी लोगों की शिकायत उन्हें प्राप्त होगी वो तुरंत उस पर संज्ञान लेंगे। अस्पताल निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल में हड़कंप मचा रहा। दो तीन बात है। पहली बात है कि पेशेंट बाहर से दवाई लाते, दूसरी बात है कि अल्ट्रासाउंड रहते हुए टेक्नीशियन नहीं है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, बाहर से बुलाते हैं तब तक सभी अल्ट्रासाउंड कराने वाले को बाहर जा कर के महंगे दामों पर अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है। तीसरी चीज़, जो नौकरी पेशा के लिए लोग सिग्नेचर कराने आते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, उनका सिग्नेचर नहीं हो पाता पैसे के अभाव। चौथी चीज़, जो ऑपरेशन यहाँ हो सकता है, डॉक्टर यहाँ हैं, उनको तुरंत मेडिकल कॉलेज या बाहर रेफर कर दिया जाता है, जो लॉ नहीं कहता है। लॉ कहता है कि यदि दिक्कत है तो आप हायर सेंटर DMCH या मेडिकल कॉलेज या पटना एम्स या IGMS या भागलपुर या PMCH आप इतना ही भेज सकते हैं, बाहर नहीं भेज सकते, किसी कीमत पे नहीं भेज सकते। ये लॉ एंटी है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ है। आप सिल्लीगुड़ी अन जगह नहीं जा सकते। कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक से हायर सेंटर भेजेंगे, बंगाल नहीं भेजें। प्रॉब्लम है, हम आज सेक्रेटरी से बात करेंगे। मेरे सामने सीनियर हमारी और हम लोग के घर की हैं, आशा जी हैं, हमने आग्रह किया है। ये कहते हैं कि हम 24 आवर जब भी दिक्कत हो, मैंने इनसे बैठी रहती है, मैंने कहा है अभी कि आप 9 से 5 बजे तक कम से कम यहाँ रहें, उसके बाद या 10 से, उसके बाद इमरजेंसी हो तो आए, अन्यथा आप अपने क्लिनिक को सुबह देख लें। राइट है इनका, लेकिन जब यहाँ ये सीनियर पदाधिकारी हैं तो निश्चित तौर पे ये गवर्नमेंट रूल्स को हम सब लोग फॉलो करें। यहाँ पर मैनेजर का शिकायत है कि वो उनका व्यवहार सही नहीं है, वो सही ठीक केयरिंग नहीं करता, और मेरे सामने में भी मैंने उनको देखा कि उनका व्यवहार सही नहीं है। पैसे का भी लेन देन होता है। मैं अभी DM साहब से बात करूंगा, सिविल सर्जन से, लोकल में उसका घर है कुर्सेला और यहीं पर वो मैनेजर है। प्रसव से पोस्टमार्टम तक जो है यहाँ पैसे की लेन देन होती है जी, बिना पैसे जी का काम नहीं होता। मैंने सुना जी, अभी मैंने कई पेशेंट से सुना, निश्चित रूप से सामने में सुन रही है, ये कार्रवाई करेंगी और सिविल सर्जन को हमारे डॉक्टर हैं वो बोलेंगे। सर एक आप बता रहे थे कि आपके प्रतिनिधि बैठेंगे अब अस्पताल में, कैसे वो सिस्टम कैसे? बस एक सप्ताह के अंदर सांसद प्रतिनिधि हो जाए, उसके बाद मेडिकल प्रतिनिधि हो जाएगा, ब्लॉक प्रतिनिधि हो जाएगा, और यहाँ पर सिविल सर्जन SMO साहब के बगल में जो पदाधिकारी नीचे होंगे वहीं पर हमारे एक प्रतिनिधि बैठे, जो कोई प्रॉब्लम होगा
तो इनसे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल मॉनिटरिंग पूर्णिया रहेंगे, रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी हम आपके आ सकते हैं। सुधार ठीक है, 3 तारीख के बाद 24 से 3 हाउस है, एक बैठक बुला के वहाँ पर मजबूती के साथ सुधार की प्रक्रिया पर काम करें और काम के लिए पैसा तो फिर